इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक करेक्टर ऑफ एमाइंस एंड फर्स्ट कंपेरिजन बिटवीन एल्कोहल ईथर ईस्टर एंड एमाइंस हैव कंप्लीटेड एंड एमाइंस आर मोर बेसिक इन कंपेरिजन ऑफ एल्कोहल ईथर एंड ईस्टर्स ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन. बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस बिटवीन एल्किल एमाइंस वर्सेस अमोनिया. बिटवीन एल्किल अमाइंस वर्सेस अमोनिया कि एल्किल एमाइन और अमोनिया दोनों में आपका कौन होगा ज्यादा एसिडिक सॉरी बेसिक. क्लियर. तो इन एलिफैटिक एमाइंस द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यू नो वेरी वेल एल्किल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. क्लियर. स्टेलाइज देयर अमोनियम कैटाइंस बाय डिस्पेरिंग द पॉजिटिव चार्ज एंड इन पेरेंट एमाइन मेक द नाइट्रोजन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर अवेलेबल फॉर शेयरिंग विद अ प्रोटॉन. सो द बेसिक करेक्टर ऑफ एलिफैटिक एमाइन शुड बी इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज इन बेसिक करेक्टर ऑफ एमाइंस. बेसिक करेक्टर ऑफ एमाइंस विच एमाइंस एलिफैटिक एमाइंस बेसिक करेक्टर ऑफ एलिफैटिक एमाइंस इज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्किल सबस्टिट्यूशंस. ठीक है. एल्किल सबस्टिट्यूशंस बट इट डज नॉट अकर इन रेगुलर मैनर. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आप एल्किल ग्रुप को ऐड करते जाएंगे उसका बेसिक करेक्टर क्या होगा आपका इंक्रीज होता जाएगा. बट इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल. ये सभी के लिए नहीं है. क्यों? बिकॉज इट डज नॉट अकर इन रेगुलर मैनर. राइट हियर इट डज नॉट अकर इन रेगुलर मैनर. इट डज नॉट अकर इन रेगुलर मैनर एज अ सेकेंडरी एलिफैटिक अमाइन विच इज मोर बेसिक देन टर्शरी अमाइन विच इज मोर बेसिक देन टर्शरी अमाइन. सो द सिक्वेंस विल बी टू डिग्री एमाइन थ्री डिग्री एमाइन वन डिग्री एमाइन एंड अमोनिया. दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी. बट इन केस ऑफ गैस फेज दिस इज सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट. इन गैस फेज द ऑर्डर विल बी In gas phase, the order will be 3 degree amine, 2 degree amine, 1 degree amine and ammonia. 1 degree, 2 degree, 3 degree and ammonia. Clear? सबसे पहले क्या आएगा? 3 degree आएगा, after that 2 degree और फिर 1 degree and after at last ammonia. Clear? Any problem?